आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में बीती रात चोरों ने उपल एजेंसी के बजाज शोरूम में धावा बोलते हुए 90,000 रुपए कैश पार कर दिए हैं। घटना की जानकारी आज सुबह एजेंसी खुलने के बाद हुई, जिसकी सूचना एजेंसी संचालक ने पुलिस को दी है। चोरी के इस घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र नेहरू नगर के गेट में स्थित उपल एजेंसी द्वारा संचालित बजाज शोरूम की है। बताया जा रहा है कि चोर रोशनदान के रास्ते एजेंसी के अंदर दाखिल हुए और काउंटर में रखे कैश को पार कर फरार हो गए हैं। मामले में एजेंसी संचालक गौरव उपल विक्की ने समान थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। एजेंसी संचालक की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश करने के बाद अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम उमेश वर्मा है, मैं प्रबंधक हूँ यहाँ पे। मेरा बंदा जब सुबह शोरूम खोलने आया ज्ञानेंद्र, तो उसने सूचना दी मुझे कि मेरा दराज जो है, मेरा खुद का लॉकर जो काउंटर टूटा हुआ है वो, और सर को भी सूचना दी संचालक को, वो भी आया, मैं भी आया, देखा तो टूटा हुआ था और यहाँ POP फटी हुई है। यहाँ से वो अंदर आया है और वो दराज से ले गया पैसा। कितना पैसा ले गया? लगभग 92,000 रुपये लगभग ले गया। नहीं, यहाँ CCTV नहीं है। नहीं लगाया? नहीं। नगद के अलावा कुछ नहीं? सॉरी, नगद के अलावा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं है। उसमें मोबाइल फ़ोन्स भी पड़े हुए थे काउंटर के, जो यूज़ होते हैं रोज, वो भी नहीं ले गया, केवल कैश ले गया। रिपोर्ट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट। हाँ जी, आई थी।